अगर तुमने ऐसी कोई मूवी देखी है जो वाहियात की सारी हदें पार कर चुकी हैं, और फिर तुम सोचो कि यार बॉलीवुड इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा वाहियात मूवी नहीं बना सकता, तभी बॉलीवुड की आवाज आती है। तो रुको जरा, सबर करो। तुम्हें वाहियात की असली डेफिनेशन दिखाता हूँ और वो एक और घटिया और वहां वाहियात मूवी के साथ आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा सयोनी मूवी के बारे में। सच में इस प्रकार की जो मूवी आ रही है ना, मुझे लगता है कि ये थिएटर को परमानेंट ताला लगवा देंगी। बॉलीवुड एक और अपनी बकवास लव स्टोरी के साथ ये मूवी लेकर आया है। इस महान मूवी को डायरेक्ट किया नितिन गुप्ता ने और अभय सिंघल ने। तभी मैं सोचूं कि यार एक इंसान अकेला कैसे हक सकता है इतना ज्यादा। यार तालियां बजाओ इनके लिए। और इसके जो दो मेन कास्ट है, मुझे उनके बारे में सच्ची मतलब अंदर से तलब हो रही है कि इनके बारे में मैं बात करूं। एक तो है तन्मय सिंह और दूसरी है मुस्कान सेठी। अब ये मैंने सिस ऐसे क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब इनके दोनों के नाम में डबल एस घुसेड रखा है इन्होंने। सीरियसली मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि पहले तो अपनी ये सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास से बाहर निकलो। ये दो बार एस लगा लेने से कोई एक्टिंग नहीं आ जाती या करियर आगे नहीं चल पड़ता। इसके लिए भाई साहब मेहनत करनी पड़ती है और एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग की क्लास लेनी पड़ती है। सच में यार बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। एक तो अपनी जेब से 100 रुपए दे के रहो और फिर ये ऊपर से देखने को क्या मिलता है, ये टट्टी मूवी। चलो पहले तो मैं इस मूवी की कहानी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर ये बताऊंगा कि ये टट्टी कैसी है। एक लड़का है राजदीप रंधावा, जो एक नेशनल शूटर है। उसे एक लड़की से प्यार होता है, माही से। माही रशिया चली जाती है, उसको कोई किडनैप कर लेता है। फिर वहां से इसको कोई वीडियो कॉल करता है और कहता है कि भाई तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते तो आ जाओ। ये वहां पर रशिया में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पहुंच जाता है। बस इतनी सी कहानी थी, कितनी यूनिक है, हमने तो कभी सुनी नहीं रखी थी। अब इसके अगर एक सीन की बात करूं, इसके स्टार्टिंग के जैसे ये मूवी स्टार्ट होती है तो इसको एक कॉल आती है जिसमें मतलब इसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर रखा होता है। तो उसके जैसे ही वो एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, तो जो ये राजदीप है जिसने तन्मय सिंह है, ये जैसे एक्सप्रेशन जो इसके इतने ज्यादा वाहियात फेक एक्सप्रेशन, यार तभी मैं समझ गया यार गए भाई साहब 100 रुपए तो गए। और फिर उसके बाद एक सीन आता है जिसमें ये रशिया जाते हैं। रशिया जाकर मतलब उससे पहले भी बहुत सारे इतने घटिया घटिया आ चुके थे, लेकिन मुझे ये पुलिस स्टेशन वाला सीन जब आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि रशिया जाता है सबसे पहले, फिर पुलिस स्टेशन में जाते ही, तो वहां पर ये बिना वजह के, बिना मतलब कोई बात हुए, रशियन पुलिस को मतलब पेलने लग जाता है। कमाल की बात तो ये है कि भाई साहब रशियन पुलिस पिट भी रही है। मतलब क्या सोच के लिखे हो बे ये कहानी। और तो और राजदीप जो है वो पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में पीट रहा है और उसके पीछे एक लेडी पुलिस आराम से बैठी अपना काम कर रही है कागज के ऊपर, जस्ट उसके पीछे, जैसे लड़ रहे हैं और उसके पीछे काम कर रही है और वो हंस भी रही है। अरे थोड़ा बहुत तो डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दे लो यार। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा, बट ये बात कोई और बोलेगा तो ज्यादा सही रहेगा। दगड़दली बच्चों के रंडवे ऐसे वीडियो बनाते हो तुम लोग, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। अरे वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस वाहियात मूवी के ऊपर रुपया लगा दिया? यार तुम अकल के अंधे हो क्या? तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारी आंखों के सामने गंद पड़ा है? इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा है कि जो सामने जो गंद है उसको चखकर ही पता चलेगा कि तुम वो गंद है। सीरियसली बहुत ही बहुत भयानक घटिया वाहियात मूवी, और उससे भी वाहियात है इसकी एक्टिंग। बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है यार रुपयों की, मतलब यार बुरा लगता है यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। एक तो साला अपनी जेब से रुपया दो और ऊपर से वहां जाकर अपने ही सर में दर्द करवा के आ जाओ। मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, इनको ना एक ऑप्शन रखना चाहिए, जिनका भी सर में दर्द हुआ और जिनको मतलब जो भी मूवी देखे उसको गाली भी दे रहे हो, तो लास्ट में जाकर मतलब जैसे थिएटर से बाहर निकले तो वो ऑडियंस से पूछे थिएटर वाले कि भाई आपको मूवी कैसे लगी, और ज्यादा मेजोरिटी के अंदर उस मूवी को गाली देते हुए मिल गए तो भाई साहब उनके रुपए वापस कर दो, एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी। साला यहाँ पर 100 रुपए की चप्पल लेने जाते हैं, तब भी दुकानदार ऐसे लड़कर आ जाते हैं कि भाई अगर ये अगले दिन टूट गई ना तो तेरी दुकान में फेंक के चले जाएंगे। लेकिन इस जैसी मूवी, इन जैसे में जब रुपए चले जाते हैं तब कौन सुनता है, किसको बोले, कौन है सुनने वाले, पैसे वैसे मतलब जनता के तो पैसे लूटे जा रहे हैं यहां पे। मेरी तरह से इस घटिया, इस महावाहियात बकवास बवासीर, मतलब कुछ भी कह लो यार, मतलब और भी कुछ कहने का मन है, लेकिन मैंने शक्तिमान से वादा कर रखा है गाली नहीं दूंगा, लेकिन किसी और ने दे दी ना बस ठीक है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 star। चलो ये तो एक बार मैंने हजम कर लिया, पर ये 47 बंदे कौन है जो IMDb के ऊपर इसको रेटिंग देके बैठे हैं, और जो इसकी एवरेज रेटिंग है वो 5 out of 10 star पहुंचा दी। अबे तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा है क्या? तुम क्या भांग पीकर बैठे थे क्या? किसी ने गलती से मूवी देख ली है तो अपना दर्द बयां कर सकते हो, और तुम्हें पसंद आई है तो बेशक तुम कमेंट करो ना, मैं जवाब दूंगा तुम लोगों को। और अगर किसी ने नहीं देखी तो भाई साहब कोई जरूरत नहीं है इस बवासीर को देखने के लिए, तुम्हारे पास और बहुत कुछ है, दुनिया में बहुत अच्छी चीजें हैं यार, तुम कुछ और देख लो, छोटा भीम देख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इससे। तो बस आज के लिए यही रखते हैं यार, सच में सर में दर्द हो गया। एक तो इस मूवी को, इस घटिया मूवी को देखो और फिर ऊपर से आके इसका रिव्यू करो, बस 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 बहुत हुआ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।